ये चार जगह ऐसी है जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हुई है। चार जगह शिव महापुराण की कथा में तारकासुर के तीन बेटे तारकाक्ष विदुम्माली और कमलाक्ष की कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा जो वेद व्यास जी ने वर्णन करी है, चार स्थान ऐसे हैं जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए तो समझ लेना कि भगवान ने तुम पर कृपा कर दी। चार स्थान, पहले नंबर का माता घर की माँ अगर तुम्हारा अपमान कर दे, अपशब्द कह दे, ताने दे दे, गाली दे दे, आड़ा टेढ़ा बोलकर तुम्हारा अपमान कर दे तो समझ लेना कुछ परमात्मा की कृपा हुई है, तेरा भाग्य चमकने वाला। दूसरे नंबर पर पिता, घर का पिता अगर आपका मान लो किसी भी रूप में अपमान कर देते हैं या शब्द कह देते हैं या आड़ा टेढ़ा कर देते हैं तो बुरा नहीं मानना। पिता किसी पुत्र का यदि अपमान कर देता है, अपने पुत्र का यदि शब्द कह भी देता है तो बेटे का भाग्य बदल देता है पिता के अपमान। तीसरा, शिक्षक गुरु, जिस गुरु की दृष्टि में कपट ना हो, छल ना हो, बेईमानी ना हो, वो गुरु अगर अपमान भी कर देता है, तुमको शब्द अपशब्द कह भी देता है तो वो तुम्हारी किस्मत को बदल देता है। स्वयं गुरु द्रोणाचार्य का चरित्र पढ़ना, जिस गुरु ने कितना कितना कहा और बेटे वो शिष्य उसका जीवन बिगड़ गया। चौथे नंबर का शिव महापुराण की कथा में गए हो, शंकर की चौखट पर गए हो, मंदिर में गए हो, देवालय में गए हो, तुम बहुत ऊंचे पद पर क्यों ना हो और वहां पर भी अगर कोई तुम्हें धक्का मार दे या शब्द कह दे या कुछ तुम्हारा अपमान कर दे तो समझ लेना परमात्मा ने तेरे को अच्छा चुनकर उन्नति की ओर बढ़ाया। शिव महापुराण में चार स्थान बताए हैं जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए, आपको अपशब्द कह दिया जाए, ताने दे दिए जाए, आड़ा टेढ़ा भी कह दिया जाए तो समझ लेना कि कुछ हमारा पुण्य उदय हुआ होगा, इसलिए परमात्मा ने ये लीला रची है। सम्मान दुनिया देती है, सम्मान कौन देता है जम के बोलो जरा, दुनिया देती है। घर के लोग सम्मान देंगे, परिवार वाले सम्मान देंगे, रिश्तेदार सम्मान देंगे, कुटुंब वाले सम्मान देंगे, समाज वाले सम्मान देंगे, अच्छा काम करोगे तो दुनिया के लोग सम्मान देंगे। सम्मान दुनिया के लोग देते हैं और अपमान मेरा महादेव देता है खुद जान।